भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की चपेट में है। बांग्लादेश में आरक्षण और नौकरी के मुद्दे पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब पूरी तरह से हिंसक हो गया है। इसी कड़ी में वहां के हिंसाग्रस्त लोगों के लिए हाल ही में ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को बंगाल में आश्रय देने का बयान दिया था, जिसके बाद अब बांग्लादेश ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है और इस बाबत शेख हसीना सरकार ने भारत की सरकार को एक आधिकारिक नोट भी जारी कर दिया। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने साफ तौर पर कहा कि हमारे मन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन उनकी ओर से की गई टिप्पणियों से भ्रम पैदा होने की काफी गुंजाइशें हैं, इसलिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संबंध में हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है और हमने इस संबंध में भारत सरकार को आधिकारिक नोट भी भेजा है। वहीं अगर ममता बनर्जी के दिए हुए बयान के बारे में बात करें तो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा था, अगर आपके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार काम या पढ़ाई के लिए बांग्लादेश में है तो चिंता न करें, हम उन्हें वापस भेजने के लिए तैयार हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा था, मैं बांग्लादेश के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि ये एक अलग देश है, जो कुछ भी कहने की जरूरत है वो भारत सरकार कहेगी। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें भारत सरकार संभालती है, लेकिन अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो हम उन्हें शरण देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के अनुसार पड़ोसी क्षेत्रों को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की अनुमति है। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भारत में भी हर तरफ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने तो इसे चुनाव जीतने के लिए पड़ोसी देश से झारखंड में अवैध प्रवासियों को बसाने की इंडिया गठबंधन की नापाक योजना करार दिया। और इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल सेज विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू सिख पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो एक तरफ जो अल्पसंख्यक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या पारसी, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो, वहाँ अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं पीड़ित होते हैं, उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे, इसका मतलब क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।